वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इंफोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है वी लुकअप फंक्शन के साथ इफ एरर। वी लुकअप एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जिसका यूज हर एक कंपनी, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, सभी इस फंक्शन का बहुत ही यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉयज का डेटा लिया हुआ है और यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जिस किसी एम्प्लॉय का हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी फिल करें, उसका एम्प्लॉय नेम, उसकी मंथली सैलरी और उसकी ग्रॉस सैलरी हमारे सामने इस डेटा में से निकलकर यहाँ रिप्रेजेंट हो जानी चाहिए। फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट सेल को छोड़कर सेकंड सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वी लुकअप का फंक्शन यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको वी लुकअप यूज करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इफ एरर क्या काम करता है। तो इक्वल टू कर लिखने के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे वी लुकअप। लुकअप के अंदर आपको लेना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप इस पूरे डेटा में से क्या लुकअप करना चाहते हैं। तो हम लुकअप करना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी को, कि यहाँ पर हम जो भी वैल्यू डालें उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी डेटा है उसको फाइंड करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे। तो हमने लुकअप वैल्यू में आईडी की रेंज ले ली है, कॉमा यूज करेंगे। कॉमा यूज करने के बाद आपसे बोलता है टेबल एरे। तो यानी ये बोलता है कि जो भी आप लुकअप कर रहे हैं वो किस जगह पर है, किस टेबल में से आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे टेबल की पूरी रेंज। रेंज लेने के बाद अब आपसे बोलता है कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कौन से कॉलम, कौन से इंडेक्स से आप इसको लुकअप करना चाह रहे हैं। तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है 2, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो है वो इस शीट के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2। इसके बाद कॉमा फिर से यूज करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर दो फंक्शन शो कर रहा है, सबसे पहला है ट्रू यानी अप्रोक्स मैच और दूसरा है फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ अप्रोक्स मैच का मतलब है कि आपका जो डेटा आप फाइंड कर रहे हैं उससे मिलता जुलता अगर कोई वैल्यू हो तो क्या ये उसे भी रिप्रेजेंट करते, और फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच, यानी कि हम चाहते हैं कि जो वैल्यू यानी जो आईडी हम यहाँ पर डालें हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ उसी का डेटा रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉल्स का। तो यहाँ पर आप फॉल्स के लिए 0 लिख सकते हैं। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट को करेंगे आप बंद और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने NA लिखा हुआ आ गया। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मतलब एक तरह से फंक्शन जो हमारा वर्क कर रहा है, लोग ये सोचते हैं कि ये फंक्शन गलत हो गया, लेकिन फंक्शन गलत नहीं है, ये परफेक्टली सही काम कर रहा है। इसके लिए आपको एम्प्लॉय आईडी पर जाना है और यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज आईडी है, जिस भी डेटा को आप फाइंड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए। लाइक मैंने लिखा 104 पे, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे 104 पर अरब है और यहाँ पर अरब शो हो रहा है। सेम इसी तरीके से आप अगर मंथली सैलरी चाहते हैं तो मंथली सैलरी आप देखेंगे यहाँ पर चौथे नंबर पे है, यानी पहले पे हमारा एम्प्लॉय आईडी है, दूसरे पे एम्प्लॉय नेम है, तीसरे पे पोस्ट है और चौथे पे मंथली सैलरी है। तो सेम फंक्शन का हम फिर से यूज करेंगे इक्वल टू VL यानी वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में हम वापस लेंगे आईडी की रेंज, कॉमा लेने के बाद अब लेंगे पूरी टेबल की रेंज। रेंज लेने के बाद आपको लेना है कॉमा और 2 की जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे 4। मैंने आपको बताया 4 किस लिए, 4 इस वजह से क्योंकि चौथे नंबर पे हमारा मंथली सैलरी है। और उसके बाद कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे। या तो आप फॉल्स लिख सकते हैं या चाहे तो आप फॉल्स की जगह 0 लिख सकते हैं। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपकी मंथली सैलरी आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई। इसके बाद बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। तो ग्रॉस सैलरी के लिए भी आपका फंक्शन बिल्कुल सेम होगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप के बाद आपको लेना है आईडी की रेंज, कॉमा यूज करना है। कॉमा यूज करने के बाद आपको सेम टेबल की रेंज लेनी है, इसके बाद फिर से कॉमा यूज करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर के आगे हम लोग लेंगे 10 नंबर, क्योंकि 10वें नंबर पे हमारा ग्रॉस सैलरी है। इसके बाद कॉमा यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम 0। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो अरब है, अरब की जो मंथली सैलरी है वो 15,870 रुपए है। तो यहाँ पर देख लीजिए अरब जो है हमारा, इसकी मंथली सैलरी 15,870 रुपए है। और इसकी ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी इसकी 16,028 रुपए 70 पैसे है।
तो यहाँ पर वही वैल्यू शो हो रही है। अगर आप यहाँ पर आईडी चेंज करते हैं, मैंने लिखा 101, तो 101 पे कौन है, नायरा है, जिसकी मंथली सैलरी है 22,986 रुपए और ग्रॉस सैलरी है 23,215.86 रुपए। तो आप इफ वी लुकअप का फंक्शन समझ गए होंगे। वी लुकअप के बाद हम बात करते हैं इफ एरर की, इफ एरर क्या काम करता है। तो इफ एरर के लिए आपको करना क्या है, इसी फॉर्मूले में डबल क्लिक करना है और यहां पर आपको इज इक्वल टू के बाद इफ एरर लगा देना है। इफ एरर को लेने के बाद टैप प्रेस करिए, इफ एरर फंक्शन हमारा आ गया। इफ एरर के बाद आपको ब्रैकेट के लास्ट में जाना है, यहाँ पर कॉमा यूज करना है और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कोड यूज करना है और इन्वर्टेड कोड के बाद आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा नॉट मैच, इन्वर्टेड कोड को क्लोज करिए, ब्रैकेट को वापस बंद करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको लग नहीं रहा कि कुछ चेंज हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर हम यहाँ पर कोई रॉन्ग आईडी डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो बाकी दोनों सेल्स के अंदर आप देखेंगे NA का मैसेज शो हो रहा है, यानी नॉट एप्लीकेबल का मैसेज शो अप हो रहा है। और आप यहां देखेंगे यहां पर आपके सामने शो कर रहा है नॉट मैच, यानी जो भी आप फंक्शन के अंदर नॉट मैच या नॉट फाउंड कोई भी एरर लिखना चाहें वो NA की जगह पर इफ एरर क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है और आप जो चाहते हैं वहां पर वही फंक्शन शो करता है, क्योंकि NA थोड़ा सा अजीब लगता है लिखा हुआ, तो इसलिए आप इसके अंदर भी हम फटाफट चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ एरर लिखने के बाद सबसे लास्ट में चले जाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कोड यूज करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं नॉट मैच के बाद इन्वर्टेड कोड को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए नॉट मैच आ गया सेम एज इट इज। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं इफ एरर का। इफ एरर के बाद आपको ब्रैकेट के लास्ट में जाना है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कोड लगाना है और यहाँ लिख देना है आपको नॉट मैच, इन्वर्टेड कोड को वापस बंद करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये मैजिक आप समझ गए होंगे वी लुकअप के साथ इफ एरर का। अब ये तो एक एग्जांपल था जिसमें आप एज इट इज सेम शीट पर ही डेटा को सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर क्या हो कि आपके पास एक डेटा अलग शीट पर हो और दूसरी शीट पर आपको वो डेटा फाइंड करना हो तो आप इसका यूज कैसे करेंगे, तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एम्प्लॉइज पर क्लिक करना है, इज इक्वल टू का यूज करना है, वी लुकअप फंक्शन का यूज करना है। हम स्टार्टिंग से ही इफ एरर को लेकर के चलते हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पर इफ एरर के बाद हम लेंगे वी लुकअप, लुकअप के अंदर सेम लुकअप वैल्यू लेंगे, लुकअप वैल्यू के अंदर आपको लेना है इस आईडी की रेंज, फर्स्ट शीट पर नहीं, आपको इसी शीट पर आईडी की रेंज लेनी है, कॉमा का यूज करना है। इसके बाद आपको टेबल की रेंज लेनी है, टेबल के लिए आपको जाना होगा शीट 3 पे, यानी जहां पर आपका डेटा है, इस डेटा पे जाकर के आपको पूरी की पूरी टेबल की रेंज ले लेनी है जिसमें आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहां से आपको वापस शीट 2 पर नहीं जाना, आपको यहां पर कॉमा यूज करना है, कॉमा के बाद आपको लगाना होगा 2 किस लिए, क्योंकि पहले पे आईडी था, दूसरे पे हमारा एम्प्लॉय नेम था, उसके बाद कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद 0 यूज करेंगे, 0 मैंने आपको बता दिया फॉल्स के लिए, यानी एग्जैक्ट मैच करने के लिए। ब्रैकेट को वापस बंद करेंगे, कॉमा यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोड यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोड किस लिए, क्योंकि हमारा वी लुकअप तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन इफ एरर के लिए हमें यहाँ पर कोई मैसेज शो करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉट फाउंड और इन्वर्टेड कोड को बंद करते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और प्रेस करते हैं एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखें यहाँ पर नॉट फाउंड आ गया और इसको पकड़ करके आप आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद ये फंक्शन सब हर जगह नॉट फाउंड शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर आईडी डालते हैं लाइक 101, एंटर प्रेस करते ही आपके सामने नायरा आ गई, मैनेजर है जिसकी मंथली सैलरी ये है, DAT, HR, FPF सब कुछ शो हो रहा है। साथ के साथ अगर आप यहाँ आईडी चेंज करते हैं 105 देते हैं तो 105 पे अंश है, वेब डिजाइनर है, जिसकी सारी सैलरी आपके सामने शो अप हो रही है। तो ये था आपका वी लुकअप के साथ इफ एरर का फंक्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।